वो अच्छा सोचते हैं फीमेल्स को हम समाइम्स समझते हैं कि उनकी अगर उनकी जो अक़ल है वो मेल से आधी होती है ये एक जनरल फिनमिना है हमारी सोसाइटी में जबकि रिसर्च ये कहती है और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हम कल्चरली हम अपनी फीमेल्स को और मेल्स को डिफरेंट तरीके से जब हम उनको ग्रो करते हैं आप अपने घरों में इन्वामेंट देखिए हम किस तरीके से फीमेल्स को डील करते हैं किस तरह से मेल्स को डील करते हैं क्या आप फीमेल्स को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जितनी आप मेल्स को प्रोवाइड करते हैं एकेडमिक्स की इसी तरह से उसको लोगों के साथ सोशलाइज़ करने की तो ये सारी चीज़ें जो आपकी ब्रॉटअप आप होता है ये आपके अंदर जब डिफरेंसेस लेके आता है हम कहते हैं हमने फीमेल्स को हमने कौन सा इनसे जॉब्स करवानी है एक बड़ा पुराना सा एक कोर्ट मैं आपके सामने रिपीट कर रही हूँ लेकिन आज के दौर में ये मैं एक मैसेज आप सबको दे रही हूँ कि अगर फीमेल पढ़ी लिखी होगी तो समझिए आपकी पूरी नस्ल जो है वो संवर सकती है क्योंकि आजकल एजुकेशन इतनी महंगी है आपका पूरा इन्वायरमेंट इतना महंगा हो गया है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक मेल जो है वो अर्न करे या फीमेल अगर अर्न नहीं भी करती अगर वो जॉब नहीं भी करती और आपके बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा दे घर के अंदर और उनको उस एकेडमिकली जो है वो उनको आ, आ, किसी अपोजिशन पे पहुंचा दे तो मेरा हाल है ये आपके लिए ब्लेसिंग है तो इसलिए एक फ़ीमेल की एजुकेशन जो है वो मेल से भी ज़्यादा इंपॉटेंट है क्योंकि उसने पूरी एक जनरेशन को एजुकेट करना होता है आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपके घर में एक फीमेल जो है वो एजुकेटेड है तो बिलीव मी आप समझ लीजिए कि आपका 80 परसेंट जो बर्डन बच्चों का है वो कम हो जाता है शी विल गिव दम द गुड इन्वायरमेंट फॉर एजुकेशन शी विल गिव दम द गुड इन्वायरमेंट फॉर ब्रॉड अप एंड टू सोशलाइज़ पीपल हाउ टू सोशलाइज पीपल माँ अच्छी जो है वो एक अपने बच्चों के लिए जो है वो एक अच्छी टीचर भी होती है और एक जो है वो अच्छा उनका साथी उनका अच्छा फ्रेंड भी है अभी जो हमारा इस वक्त दौर जा रहा है जब तक हम अपनी फीमेल्स में से और मेल्स के अंदर ये डिफरेंस नहीं कम करेंगे जो कि हमारा एक्डेमिकली और कॉग्निटिवली आ रहा है सबसे पहले हमें अपनी सोच को चेंज करना है क्योंकि जो रिसर्च ने बताया कि रीजनिंग uh, एबिलिटीज़ में बाजुकात जो uh, देखा गया है कि मैथमेटिक्स में और रिसर्च में इंजीनियरिंग में इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मेल्स की ज़्यादा आई शो होता है और वो ज़्यादा मार्क्स भी लेते हैं एकडेमिकली अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन उनकी नस्बत अगर फीमेल्स को भी उसी तरह की अपॉचुनिटीज़ दी जाए हम समझते हैं कि इंजीनियर इंजीनियरिंग में हमारी फ़ीमेल्स कम जानी चाहिए हाँ मेडिकल साइड में उनको जाना चाहिए तो इस वजह से इन प्रोफेशंस में हम हम अपनी अपॉर्चुनिटी ही कम उनको प्रोवाइड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंस में किसी से कम है मेल और फीमेल की इंटेलिजेंस में कोई ऐसी कमी नहीं होती सिर्फ उनकी कुछ रीजनिंग स्किल्स और कुछ उनकी जो इन्वामेंटल फैक्टर्स हैं वो उनमें डिफरेंस जो है वो क्रिएट करते हैं तो इसलिए स्लाइटली कुछ इनमें इस तरह का डिफरेंस आ सकता है लेकिन उसकी रीज़न जो है बायोलॉजिकली जितनी भी आई क्यू लेवल हम लेके आते हैं वो भी एक रीज़न है और इन्वायरमेंटली भी उनके अंदर जो रीज़न हैं वो भी इसके अंदर डिफरेंस जो है वो क्रिएट करती हैं